दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। क्रिप्टो फैमिली के साथ मिलकर काफ़ी बढ़िया अमेजिंग प्रॉफिट बना रहे होंगे। आज जो है दोस्तों, हमारे पास फिर से काफ़ी मेजर और कमाल की न्यूज़ और अपडेट है, जो कि आप सभी को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़िए फॉलो करना। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम नहीं ज़्यादा लूँगा, वीडियो करूँगा स्टार्ट। और सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो है एक बड़ी न्यूज़ कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी दुनिया को जो है ना एक तरफ करने वाली न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये आ रही है भैया यूएसए के टेक्सास के हॉस्टन सिटी से न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर कल रात के अंदर दोस्तों सीसीटीवी कैमरा के जरिए ये घटना का जानकारी मिला कि भाई एक जो है ना, अगर हम बात करें भाई, स्मोक शॉप के अंदर जो है चोरी हुआ, ठीक है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बट बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर ये आई कि भाई ये जो है ना, ये शॉप को लूटने के लिए नहीं गया था, ये जो है गए थे बिटकॉइन के एटीएम को लूटने के लिए। लेकिन ये चीज़ भूल गए ये लोग कि भाई कैश एटीएम नहीं है, जो कहीं से भी खोल के हम कैश निकाल के चल देंगे। ये है डिजिटल करेंसी, जिसको लूटना ना इतना आसान नहीं है भैया। इन्होंने जैसे ही डाला, सब प्रोसेस किया, तो यहाँ पर जो है ना क्यूआर कोड आ गया। अब क्यूआर कोड के ही जरिए इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, है ना, विड्रॉल कर सकते हैं। काफ़ी अलग ही प्रोसेस है, कोई कैश तो है नहीं, आई थिंक डिजिटल करेंसी है। तो भाई वो सभी लोग जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गए, यार ये क्या लोचा है, हम आए थे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लूटने के लिए और यहाँ पर बिटकॉइन एटीएम जो है काम नहीं कर रहा। मे भी उसको यही समझ में आया यार क्या करें। तो इसकी वजह से दोस्तों ये फ्रस्ट्रेट होकर जो है स्मोक शॉप के अंदर गए और वहाँ पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं इनसे सभी लोगों का आँख खुलता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी इग्नोर करते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो को, जो भी ये चीज़ें सोचते हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। बिकॉज ऑफ आज के डेट में चोरी भी फेल हो चुका है इनके आगे। कोई कैश एटीएम होता तो ऑलरेडी आपको पता है कि लूटा जाता भाई, लूटपाट का अंजाम बिल्कुल हो जाता। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आ रही है हांगकांग से एक बड़ी गुड न्यूज़। जहाँ दोस्तों ये भी गुड न्यूज़ है, बिकॉज ऑफ हांगकांग के अंदर पता है कि भाई बिटकॉइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ चल रहे थे, चाइना के अंदर ही इशूज़ चल रहे थे, बैन कर दिया था भाई उन्होंने, हालांकि अभी जो है बैन हटा दिया है। अब जो है दोस्तों चाइना जो है यहाँ पर अलाउ किया है रिटेल इन्वेस्टर को कि भैया आप बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कब से, कल से, 1 जून से। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ है, काफ़ी अमेजिंग न्यूज़ है भाई। और चाइना के अंदर अगर ये चीज़ें हुई तो भाई पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ समझ लो कि बुल रन बहुत जल्दी आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ फ्लॉकिनो की भी लिस्टिंग हो चुकी है विंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर, ये एक डैक्स है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ वर्ल्ड टेबल टेनिस के प्लेयर्स ने फ्लॉकी को काफ़ी तगड़ा यहाँ पर प्रमोशन किया है, काफ़ी सारी वीडियोज़ जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस के प्लेयर्स जो है फ्लॉकी के बारे में बताते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरह से प्रमोशन है और वो भी बाय करेंगे और लोग भी फ़ैन है वो भी बाय करेंगे, तो जरूर इसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। जहाँ तो इसके साथ साथ लवलीनो की बात करते हैं, तो भैया 2nd एनिवर्सरी 30th ऑफ जुलाई को है। ऑलरेडी आपको मालूम है, आज भी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन भैया टेलर मस्क जो कि 9,19,000 ट्विटर फॉलोअर्स के साथ है, उन्होंने आज जो है तगड़ा ट्वीट किया है कि भैया वो जो है ना लवलीनो को बाय कर रहे हैं अपने टेस्ला के कार को सोल्ड करके, और हमने ऑलरेडी बाय कर रखा है, हमें तो बस प्रॉफिट बुकिंग है। तो देख लो यार, हाइप बन रहा है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग करने का समय भी आएगा। तो ज़रूर भाई इसके अंदर जो है ना होल्डिंग तो आपकी बनी ही होगी और हम जरूर आपको फिर भी अपडेट देंगे। जहाँ दोस्तों, इसके साथ साथ बीबी डॉज कॉइन ने आज जो है बड़ी अमेजिंग चीज़ लॉन्च की है। जहाँ दोस्तों, यहाँ पर फ्री मल्टी चेन अगर हम बात करें टोकन लॉकर जो है आज लाइव कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और कहीं ना कहीं काफ़ी तगड़ा यहाँ पर बीबी डॉज कॉइन का ये जो है आई थिंक न्यूज़ था। जहाँ दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कल के डेट में 100 क्वार्टिलियन टोकन बर्न होगा, हालांकि मॉर्निंग में नहीं होगा, ये नाइट के समय में या इवनिंग के समय में प्रोसेस की जाएगी, टाइम का थोड़ा सा अंतर होता है। ऑलरेडी जो दोस्तों प्रेडिक्शन रहने वाला, लगभग जो है 40 से 50% तक ये प्रॉफिट देगा, ज़्यादा नहीं देगा क्योंकि मार्केट का कंडीशन उस तरह का नहीं है। जहाँ दोस्तों, इसके साथ साथ 4.15 ट्रिलियन टोकन लास्ट 24 आवर के अंदर बर्न हुआ, तो देख लेना भाई बीबी डॉज कॉइन के अंदर ऑलरेडी हम सभी की होल्डिंग होगी और है भी, तो भाई बस होल्डिंग बना के रखिएगा बिकॉज ऑफ इसका समय आने वाला और हम सबको एक कमाल का प्रॉफिट भी मिलने वाला है यहाँ से। मेक श्योर दोस्तों, बाकी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी सब न्यूज के लिए हमेशा अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम तो नेक्स्ट मैच की तरह, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।